नमस्ते, आप सबका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज है 6 तारीख है, कौन से महीने की, जुलाई, 6th of July। और अभी मेरी हालत देखो, मैंने फेस वॉश भी नहीं करा, मैं नेल पेंट लगा रही थी, हम जा रहे हैं मार्केट और देखो नेल पेंट लगा रही थी। अब मैंने पहले नेल पेंट लगा लिया, फेस वॉश कैसे करूँगी, मेरा भाई होगा अगर मेरा फेस वॉश करवाएगा तो। बाबू आराम से हैंड वॉश। तो भाई अब मैंने फेस वॉश वगैरह सब कर लिया, मैं जा रही हूँ मार्केट मम्मा के साथ। और सावन भी स्टार्ट होने वाला है, तो सावन से पहले तो घर की सफाई होती है। ये देखो मैं टी शर्ट में पानी लिया, तो मैंने किचन संगवाई है, मतलब मम्मी आ जाएगी तो चिल्लाएगी, मतलब थोड़ा सा ही संगवाया अभी, तो अभी और संगवाऊंगी क्योंकि आधे से ज़्यादा मम्मा ने ही कर दिया। कल रात मैंने इन सबको धो धो के लगाया, कल पूरी रात, सही लग रहा है ना। कल ही मेरे को पता चला हमारे पास इतनी तरह के वो है ग्लासेस, कांच के भी इतनी सारी वैरायटी हैं, फिर भी हम सिर्फ यही वाले यूज़ करते थे, ये वाले, और हमारे पास बहुत सारे हैं। अब मैं सारे निकाला करूँगी, तो अभी आधा आधा मैं करूँगी आज रात को, तब दिखाऊँगी। साफ साफ लग रही है ना, देख लो भाई, पापा को पसंद आने चाहिए। तो चेंज हो जाएंगे, तो थोड़ा बड़ा साइज दो ना। तो भाई यहीं से हमने डुगू की क्रिकेट किट ली थी, वॉलीबॉल ली थी, जब तक उसने काम कर दिया दिन का, कितने काम कर दी। अगले शॉर्ट्स भी ले रहे हैं, एक ही शॉर्ट है पापा के पास जो रात में पहनते हैं। डोलची ले रहे हैं हम, नानी कैसे कड़ी लाएंगे इसमें, रखने के लिए मम्मी आती एक सामान लेने, निकलवा इतना सारा लेती है, पहले एक चीज थी फिर दो आई फिर तीन आई अब चार पाँच, बस मम्मा घर चलना है, बस बस मेरे पे। तो भाई अब हम आ गए गोलगप्पे खाने, एक गोलगप्पे खाने हम इतने अंदर आए हैं, एक दुकान हमारी बर्ताबाग में भी है लेकिन कमला नगर आने के बाद तो मम्मी को यहीं के खाने होते हैं। आपके सामने गोलगप्पे प्रसाद लेना चढ़ाने का सुबह का, मम्मी हर बार कहती है ना घर घर कहीं दिखाती रहती, घर घर कहीं दिखाती रहती, मैं सारा दिखाऊंगी बाहर का जितना भी हम घूमते हैं। तो मेरे भैया इतने अच्छे हैं दुकान वाले, तो दिखा ना उन्हें, मेरे बर्तन वाले भैया इतने अच्छे हैं, तो मैं नहीं अब बाहर कहीं दिखाऊंगी, सारे अच्छे हैं। मैं भी वो रोज आती हूँ कि मेरा सारा ब्लॉग घर से स्टार्ट होता है, घर पर ख़त्म हो जाता है, तो अब बाहर का भी दिखाऊंगी। क्या क्या लोगे, क्या लोगे आप? तो कल गुरुजी का बर्थडे भी है, तो कल के लिए प्रसाद लेना है। आप देखो ना क्या लोगे, यहाँ तो सभी कुछ होता है। रसमलाई, हाँ भाई घेवर आने लग गया, आधे किलो पाकीजा और में रसमलाई वगैरह ऐसे ही लेनी चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगी। मम्मा जैन डेयरी पे से सामान ले रही हैं, भाई मम्मी कहाँ रह गई, मेरी सीढ़ियाँ चढ़ गई। हम आए थे, बच्चे सो सो के उठे हैं और ये बच्चे हमारी हेल्प करवा रहे हैं सामान में। भाई देखो ये इतना सारा सामान हम लाए अकेले, मेरी उंगलियाँ ये देखना, हाँ वही चढ़ा रहा है। पहले इनने सारा सामान खोलने लग गया और पेस्ट्री निकाल ली इसने, झाड़ू किसने लगाई, फिर जगरी थी। सामान दिखाओ हम क्या क्या लाए हैं, कल गुरुजी का बर्थडे तो मम्मा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है, कल का सामान तो कल ही आएगा, तो थोड़ा सा सुबह हाँ अभी, फिर भी दिखाओ हम क्या क्या लाए हैं मैंने देख, हाँ ये तो मट्टी, अच्छा ये बर्तन तो देख लिए थे, हाँ नानी क्या भेजने के लिए, भाई नानी के हाथ की कड़ी तो भाई देखो सबकी, और मेरी नानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, ये गुरुजी का गिफ्ट लाएंगे, मतलब गुरुजी को चढ़ाएंगे।
और भाई बिग बॉस ओटीटी 3 कौन कौन देख रहा है? मैं तो देख रही हूँ, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों के साथ आया हुआ है और इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, बस पूछो मत। और मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। ऑफकोर्स पिछली बार फुकरे इंसान नहीं जीत पाया था, डिजर्व तो वो करता था पर वो नहीं जीत पाया था। तो अब तो मैं चंद्रिका चाहती हूँ, क्योंकि चंद्रिका की बैक स्टोरी भी थोड़ी है ऐसी इमोशनल वगैरह, मतलब हार्ड वर्किंग है चंद्रिका। सो आई वोट फॉर चंद्रिका। जब नो वो नॉमिनेट हुई थी तब भी मैंने वोट करा था चंद्रिका को। और वैसे तो मेरे को विशाल भी पसंद है, मैं चाहती हूँ विशाल भी जीत जाए, पर दो लोग नहीं जीत सकते ना, जिसको ज़्यादा वोट वो जीतेगा। विशाल और चंद्रिका, मैं चाहती हूँ इन दोनों में से कोई एक जीते। नहीं, नाटक देखने दो मुझे। तो आज है मेरी मम्मा के गुरुजी का बर्थडे और मम्मा सजा रही हैं घर। तो आज मम्मा जिम भी नहीं गई, तो सुबह सुबह नहाकर धोकर कपड़े वपड़े पहन के, सूट तो वही वाला पहन लिया, नाइटी पहन ली थी ना रात को। हाँ ये तो है, इसलिए हाँ ये मम्मा। ये बन रही हमारी कड़ी और देखो ब्लेंडर आ गया। अब मैं डेली कॉफ़ी बनाती हूँ, चलाऊँ इसे। मम्मी गुस्सा करेगी। और मैं भी नहा ली थी और नहा के मैंने ये कपड़े पहन लिए, बिकॉज आई एम नॉट वेल, क्योंकि मेरा फेस काला काला लग रहा है, मेरी मूछे दिख रही है। कंपोनेंट्स खा रहे हैं, दिमाग तेज करेंगे अपना। और भाई मैं आप लोगों को बता रही थी कि आ जा ईशा यार, अब मैं दोबारा नहा लूँगा मैं पहले। हाँ ना, फिर कर लो ना, मैं आराम से लगी। और मैं ये कह रही थी कि एक बहुत 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 बड़ी बात है, ये मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और आई कांट एक्सप्रेस ऑल्सो, तो मैं बाद में ही बताऊंगी क्या बात है वो। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और मेरी वीडियोज़ को देखते रहो। बना नहीं खाना, भूख लग रही है भाई, दोपहर हो गई, पता है। हाँ कड़ी इतना टाइम क्यों लेती है बनने में भाई? मम्मी ने 12 बजे से चढ़ा रखी है। किसी की नहीं पता, मगर हमारी तो कड़ी जब तक 3-4 घंटे ना बना लूँगा, ना नहीं भी ऐसे बनाती है, कोई वही आदत पड़ेगी। हाँ 12 बजे चढ़ाएगी, देख ले 3:30 हो गए, इतना पकाना पड़ता है कड़ी को, जब भी तो टेस्ट आता है, जब भी तो मुझे खाती हूँ कड़ी तो मैंने बच्चे वाली खाई है। हाँ ये तो है भाई, नानी जैसी है मम्मी जैसी कहीं नहीं बनती। कुछ लोगों की कड़ी में तो वो जो दही होती है ना वो भी दिखती रहती है, हमारी में नहीं दिखती। प्रसाद चढ़ेगा कड़ी का और ये पेप्सी एप्सी, क्यों कड़ी नहीं अभी चढ़ेगी? पकौड़ियाँ आलू की और प्याज की, और जो प्रसाद ला रखा मीठा वो में वो कड़ी चढ़ेगी, रोटियों के साथ, क्योंकि चावल नहीं चढ़ती। अच्छा चावल नहीं चढ़ते, चावल पसंद। फिर से पिंपल हो रहे हैं ना गर्मी की वजह से, निशान आ गए, मैं ठीक कर लूँगी। देखो
मम्मा की मेहंदी जो मैंने रात को लगाई थी अच्छी है, देखो चलो ये देखो जरा, ये लीसा ने लगाई थी, दिखाओ सही लगे, अच्छी लग रही है। हां किलसाया कितना तो दे रही है मुझे ना, तो तेरी तो मेहंदी लगा देता तेरी पेट होती है बहुत मुझे ना कभी यहाँ खा रही कभी वहाँ खा रही कभी मेरे अजीब तरीके की बेचैनी सी घबराहट चल 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 मेरी भी। हाँ आप देखो कितनी अच्छी आ रही, पहले सनलाइट पड़ रही थी थोड़ी, ये फिर आ गई चल यहाँ से जूलियट तेरा तो तेरा तो तेरा भाभी से लगवाई है ना, मैंने लगाई है पहले, ये दिखाओ अच्छी लगाई। एमपी मध्य प्रदेश पीएम कर दोगे तो ये पीएम हो जाएगा, मैंने कहा था नाम लिख दिया एमपी तो मोनू लिखा इस पे, तो भाई मम्मी ने इतना किलसा दिया ये डिजाइन, तो ना लेट हो गई थी, ये देखना कैसे हाथ भीज भीज के डिजाइन खराब कर दिया मेरी। वो के लिए पापा से वेट नहीं हो रहा, पापा कह रहे जल्दी से प्रसाद लाओ गुरु जी का खाना। ये मैं भी खाना खाऊंगी, आई लव कड़ी, कड़ी एंड राजमा चावल, और अब मैं देखूंगी स्पिट्स वाला। तो भाई अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ केक वगैरह लेने, और मम्मा ने डेकोरेशन कर दी, मतलब बलून्स भी लगा दिए, फूल वूल सब, मतलब गुरुजी की वगैरह के पास सब कुछ अच्छे से कर दिया, सब कुछ आके दिखाऊंगी, अभी पहले केक लेने चलते हैं। पूछ के ऑर्डर लो उसमें, भाई मैं कसम से आपके पास ही कॉल कर रही थी, मम्मी ने कहा था कि भाई के पास कॉल वो मैसेज कर दे कि केक बना देंगे, इतने में आपका कॉल आ गया, तभी मैंने आपको फ़ोन पे यही कहा था कि आपकी उम्र लंबी है सच में। तैयार हो रही हैं सर और अब मम्मा पूजा वूजा कर रही हैं, फिर केक विक काटेंगे। आज तो पहली बार डुगू काम कर रहा है, हमने कपड़े उपड़े भी हमारी बुआ तैयार होकर नहीं आई, पहले ही बोलते भाई भाई बुआ तैयार होकर नहीं आई। Hello, I'm not going to go.
आगे मेरी बनवा ले रीसा का बुला फटाफट रीसा वो बना दे या फिर ऊपर भी जाना है बच्चों अरे लगा दे जा रहे फिर नानी का चलेंगे हमने घर में केक कट करवा लिया शुक्राना गुरु जी लख लख शुक्राना भाई मैं बोल रोटी करने वाली आप कराते मैं देख लो ज़्यादा वो नहीं कर सकती जितनी ऐसी है गुरु जी इतना कर लेते आप कराते मैं क्या करूँगी जो आप चाहते हो वही होता है जय गुरु जी चलें अरे 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 सूखे पापड़ ने उठा लिया भाई क्योंकि केक में थे ना यहाँ चरणों के पास बोल क्या दिलवाया है क्या दिलवाया है हाँ ऐसे चलाओ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मेरी भाभी कह रही थी कि भाभी ने जब पहली बार जब गुरुजी का स्वरूप लिया था तब छोटा सा लिया था इतना बड़ा वाला भी लगा लिया अपने घर में इतना हो गया हमारे गुरुजी कृपा करें और मेरी दुरानी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन हमारे घर में आए गुरुजी पधारे हैं उससे आए मेरी दुरानी का गुरु जी खूब उतना दे गुरु जी सदा
सूट चल गया है इसका, देखो इसने अपना सूट चला लिया, चल गया लेदर लग गई। ये बच्चा हमारा बड़ा शैतान है, इसको सबने डांट दिया तो ये रो रही है। भाई अच्छा सा ब्लॉग बनाना मेरे, हाँ इसकी वीडियो बन रही है, अभी रोएगी तो देख लो भाई। चुप तो भाई हम अपने घर पर आ गए और हमारे साथ मेरी मासी के बच्चे भी आ गए, बच्चे अब जब नान जी जाएंगे तब इनको लेती भी जाएंगी। सबसे ज्यादा जिद करके तो वो आई है, उसे दिखाती हूँ कहाँ के पास। हाँ ये किडनैप हो गए भाई, अब तो हो गई, अब नानी जी को कह दूंगी कि वो नहीं आ रही, अब वो किडनैप हो गई, अब तो यही रहेगी। अरे यार बता भाई, हमने इसको किडनैप कर लिया ना, सबसे पहले जाकर इसको उठाया हमने, क्या टॉर्च भाई, ये सबसे पहले जाकर मेरा व्लॉग देखता है, सारे देख रखे हैं, अरे इसको भी बहुत पसंद है व्लॉग, पसंद है अच्छी लगती है। हाँ। कि मम्मी, कि मैं, कि पावले ने झूठे ने ये दे दिया, या फिर पापा, कौन अच्छा लगता है, या फिर पापा, ये नहीं, बच्चे को ही मैं ही पसंद हूँ। आपको कौन अच्छा लगता है, करना जी, इसको तो कहने की भी जरूरत नहीं है यार, झाड़ू दे यार, काके कह रहे घर बहुत सुंदर है, थैंक यू बाबू, यही रह लो आपका घर है और उसमें से ये पिन लगा रही है, इनका मेकअप स्टार्ट हो रहा है। अच्छा और क्या कर रहे हो, नेल्स लगा रहे हो काकी, काकी एक बार इधर देख, ये देखो इसका फेस, इसने टिकाई का सब फैला लिया। मम्मा देखो ये क्या कर रही है, और इन लोगों की इसके और गप्लू का प्लान बनाता कि हम बड़े पापा को डराएंगे, बड़े पापा आ भी गए और बड़े पापा को खुद तो डरा नहीं पाए, उनके गले लग लग के बड़े पापा कहने लग गए। देख रही है, कह रही है तो कंगना दीदी का सामान देख रही है, देख लो बोले तो नकुल लगा रही है, हीरोइन है पूरी काकी की बच्ची, और आज यही रुकेगी है ना, यही रुकेगी ना, ओ माय गॉड, ये तो और भी जरूरी है लिपस्टिक। रात के टाइम कौन तैयार होता है ये बताओ, मैं
तो भाई अभी हम ये प्रसाद खाएंगे गुरुजी का जो चढ़ाया था, और ये आज ही खत्म करनी पड़ेगी रसमलाई, खा लेंगे सब लोग इसको। पक्का अभी तो व्लॉग चालू होते यू कह रही थी कि मुझे नहीं रुकना रुकना है। ओ, रही है। यही रुकेगी हमारे पास। किसके पास सोएगी? बड़े पापा के पास सो जाएगी। और गप्पलू फिर रुकेगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे? गप्पलू को भगा देते हैं। मैं तो वो तो रुकेगी भाई, ये रो रही है कि मुझे रुकना है, लेकिन ये अभी बच्ची है, रोएगी फिर रात में। तो हम अभी रुकेगी नीचे, गप्पलू को छोड़ दिया, रुकेंगे गप्पलू को नीचे छोड़ने चल दो, रुकना देना। अगर ये रोई ना मैं मारूंगी, आओगी कसम। हाँ। नहीं मैं नहीं आऊंगी, कल आऊंगी। कल नीचे क्या करने गया? मैं तो रुकूंगी। चलो अगर तू रोई तो तेरी पिटाई मैंने करनी है। नहीं रोएगी, नहीं अच्छी बच्ची। अंदर रख दे चप्पल गेट के पीछे।